स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का इंग्लिश लिटरेचर का एक लेसन एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। यह लेसन नंबर 9 है फर्स्ट फ्लाइट बुक का, और इस स्टोरी को, इस कहानी को मूल रूप में तमिल भाषा में लिखा गया था, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया आर.एस. सुंदरम के द्वारा, और यह बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके पहले कि आप कहानी में लीन हो जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे आप कैसी वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वली मई, हु वॉज कॉल्ड वाली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका नाम था वली मई, और उसे छोटा नाम दिया गया था वाली का, या उसे वाली करके बुलाया जाता था। सी वॉज 8 ईयर ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। उसकी उम्र 8 वर्ष थी, और वह वस्तुओं के बारे में बहुत ही जागरूक थी, मतलब उसके आसपास जो कुछ होता था उसको जानने समझने की उसके अंदर तीव्र इच्छा थी। हर फेवरेट पास्ट टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस। उसका जो सबसे प्रिय समय बिताने का तरीका था, या मन बहलाने का जो तरीका था, वह था अपने घर के दरवाजे पे खड़े रहना और वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और यह देखना कि बाहर गली में क्या कुछ हो रहा है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट, एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। उसकी गली में उसकी उम्र का कोई भी सह क्रीड़क या साथ खेलने वाला नहीं था, यही वजह थी उसका यह सब करने की, मतलब घर के दरवाजे पे खड़ी रहने की, और क्या कुछ हो रहा है गली में उसको जानने समझने और देखने की। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बीट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्लेड। लेकिन बली के लिए दरवाजे के सामने खड़े रहना और इतना आनंददायक होता था जितना कि दूसरे बच्चों को खेलों से या खेलों में जो आनंद मिलता है उतना ही। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। गली में देखना उसे बहुत से असामान्य अनुभव कराए। जब बाली दरवाजे पे खड़ी होके गली में देखा करती थी तो उसे तरह तरह के अनुभव होते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जो सबसे आकर्षक चीज थी वह थी एक बस जो उसके गांव से नज़दीक के कस्बे तक जाती थी या यात्रा करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। यह बस उसकी गली से हर घंटे गुजरती थी, एक बार कस्बे तक जाने के लिए और फिर दोबारा वापस आने के लिए। The sight of the bus filled each time
with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. बस को देखना या बस का दृश्य जिसमें हर बार नए यात्रियों का समूह हुआ करता था, वाली के लिए अंतहीन आनंद का स्रोत था। बहुत ही आनंद आता था वाली को बस को देखने में। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टीनी वी स्क्रैप्ड into her head and grew there. दिन प्रतिदिन बस को देखना या बस को देखते हुए उसके दिमाग में एक विचार पनपा और फिर धीरे धीरे विचार बड़ा हुआ, मतलब विचार ने मजबूती बना ली। She wanted to ride on the bus even if just once. वह चाहने लगी बस में चढ़ना, बस में सवारी करने की चाह उसके अंदर हो गई, बस एक बार ही सही। This wish became stronger and stronger. और इसकी यह जो इच्छा थी धीरे धीरे मजबूत से और मजबूत होती गई। Until it was an overwhelming desire. जब तक कि इसकी यह छोटी सी इच्छा उसकी ढिण इच्छा बन के उसके दिलो दिमाग में छा गई। वली वुड स्टेयर विस्टफुल्ली एट द पीपल हु गॉट ऑन आर ऑफ द बस When it stopped at the street corner, जब बस गली के कोने पे रुका करती थी और उसमें से यात्री उतरते थे या फिर यात्री चढ़ते थे, तो बली उनको बहुत ही विस्टफुल्ली या लॉगिंगली या तीव्र इच्छा के साथ दिखा करती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. उन यात्रियों के चेहरे उसकी इच्छाओं को, उसके सपनों को, उसकी आशाओं को प्रज्वलित कर देते थे, मतलब और मजबूती देते थे। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sight of the town to her. यदि उसका कोई मित्र कभी बस में चढ़ने का अवसर पाता था और इस बात का प्रयास करता था कि कस्बे में उसने क्या कुछ देखा उसको वर्णन करने का, Wally would be too jealous to listen and would shout. जब उसका कोई मित्र कस्बे का वर्णन करता था तो वली बहुत ही ईर्ष्या से भर जाती थी और चिल्लाती थी, इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड, और उसके जो शब्द हुआ करते थे वो थे प्राउड प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. ना तो वली ही या फिर ना उसके मित्र ही इस शब्द का अर्थ समझ पाते थे जो बोलती थी प्राउड प्राउड। बट दे यूज टू ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिस अप्रूवल। लेकिन वे पाते थे कि उसकी जो भावभंगी माँ है वो असहमति की है, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा। हम किसी भी भाषा में बोलें या कोई भी भाषा में कोई चीज़ सुने जो हमें न भी आती हो, पर बोलने वाले की भाव भंगिमा से हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions
हियर एंड देयर। कई दिनों से और महीनों से वली बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से अपने पड़ोसी और दूसरे लोगों की वार्तालाप को सुना करती थी, जो नियमित ही बस का प्रयोग करते थे, मतलब बस से आते जाते थे। और वह यहाँ वहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न सावधानी से पूछा करती थी उन लोगों से। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से उसने बस यात्रा से जुड़े हुए बहुत सी जानकारियां जुटा ली थी। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम द विलेज। वह जो टाउन था, जो कस्बा था, वली के गांव से 6 miles की दूरी पे था। द फेयर वाज 30 paise वन वे, और एक तरफ का जो किराया था वो 30 paise था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने सुना था एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड आदमी के द्वारा, जो अच्छा पहना हुआ था कपाल लत्ता, उससे उसने सुना था। बट टू वली हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट। लेकिन वली के लिए एक महीने में या एक दूसरे महीने में इतना पैसा बहुत बड़ी रकम थी, बहुत मुश्किल से इतना देख पाती थी। इट सीम्स ए फॉर्चून, उसको यह एक बहुत बड़ी बात लगती थी। 30 paise जो किराया था, उसने सुना था एक वेल ड्रेस्ड आदमी से कि ये तो बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन वली के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। द ट्रिप ऑफ द टाउन took 45 minutes, और जो ट्रिप होता था टाउन तक का वो 45 मिनट का होता था। ऑन रीचिंग टाउन शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 paise, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। यदि वह टाउन तक जाती है, कस्बे तक पहुंचती है, और फिर वहां पहुंच के अपने सीट पे बैठी रहती है, और फिर दोबारा 30 paise देती है, तो फिर वो अपने घर भी बस से लौट आएगी, ऐसा वली ने सोचा। दिस मीन्स दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। इसका अर्थ है कि वह 1 बजे दोपहर बाद बस पकड़ती है अगर, तो 1:45 तक कस्बे तक पहुंचेगी, और फिर घर तक वो 2:45 तक आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। और उसके जो ये विचार थे उसके दिमाग में आते गए और बार बार आते गए। उसने बार बार कैलकुलेशन किया कि आखिर आने जाने में कितना खर्च आएगा, बार बार गणनाएं की, बार बार योजनाएं बनाईं।